नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ आदरणीय सालू दीदी से। आदरणीय सालू दीदी जी एमए कर चुकी हैं और अपनी पीएचडी करने जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पिछले कई वर्षों से जैन दर्शन में इनका काफी गहन रुचि है। कई इन्होंने जैन दर्शन के साहित्य पढ़े हैं और आदरणीय माता जी की प्रेरणा से इनको पीएचडी करने का भी सुयोग मिलने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदरणीय सालू दीदी की दोनों आंखों का टॉरिक फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन का ऑपरेशन बहुत ही सफल रहा और उसके पश्चात इनकी जो रोशनी है वो बचपन जैसी हो गई है, बहुत अच्छी रोशनी आ गई है। आइए हम जानते हैं आदरणीय सालू दीदी के श्री मुख से कि किस प्रकार से उनका अनुभव रहा और किस प्रकार से वह अभी फील कर पा रही है। आदरणीय दीदी जी, मैंने 2 महीने पहले टॉरिक फेकिक लेंस डॉक्टर सुरेश पांडे से मेरा ऑपरेशन किया था। पहले मुझे चश्मा लगा कि इतना बेटर नहीं दिखता था जितना कि आज दिख रहा है। आज मैं बारीक से बारीक अक्षर भी पढ़ पा रही हूँ और पास से भी पढ़ पा रही हूँ और दूर से भी पढ़ पा रही हूँ। दूर का विजन मेरा बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है, मुझे पहले दूर का नहीं दिखाई देता था। अब मैं बिना चश्मे के भी आसानी से पढ़ सकती हूँ बारीक से बारीक अक्षर भी, जैसे कि मैं आपके सामने पढ़ सकती हूँ कि अखबार के जो अक्षर हैं छोटे छोटे। कोरोना काल में पहले लॉकडाउन के समय जिंदगी का रूप बदल गया, बाजार बंद पड़े थे, घर में उपलब्ध सीमित साधनों संसाधनों के बीच जीवन यापन करने की कला को सीखा। 7-10 साल की भागदौड़ से इतर एक साल ऐसा गुजरा कि जिसमें परिजनों के साथ कई कई दिन काफी यादगार गुजरे, फिर दूसरी लहर आई और हालात और बिगड़ गए। इस दौरान मीडिया में 2 दिन सड़कों पर भूखे प्यासे मजदूरों और उनके परिवार को घर लौटने की जहर भरी खबरों बहुत अच्छा पढ़ा दीदी आपने, बहुत ही अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीदी ने जो होल्ड किया अखबार को, वो एक नॉर्मल जैसे इंटरमीडिएट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं उसको होल्ड किया। कई बार क्या होता है मायोपिया जिनको होता है चश्मे का माइनस नंबर होता है तो वो चश्मा लगा के तो पढ़ लेते हैं इस डिस्टेंस के, लेकिन चश्मा हटाने के बाद में उनको बड़ा पास रखना पड़ता है, बहुत पास से देखना पड़ता है। तो दीदी को एक्चुअली सबसे जो अच्छी बात है की बात की दीदी की जो रोशनी है वो पास की दूर की बीच की तीनों रोशनी अच्छी आगे आ चुकी है। और सबसे अच्छी बात है कि इनका जो विजन है वो दोनों आंखों से 6x5 है, जो कि सुपर विजन है। 6x4 की कुछ वर्ड्स दीदी पढ़ सकते हैं और सुपर विजन जिसको बोलते हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन जो है वो आ चुका दीदी का। और इसके लिए हम साधुवाद देते हैं सभी को, आदरणीय शिमला आंटी जी को, इनका विशेष रोल रहा। और शिमला आंटी जी है, इन्होंने दीदी का ऑपरेशन कराने में हर घड़ी ये साथ रही, इनका मार्गदर्शन इनका योगदान अतुलनीय रहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आदरणीय दीदी जी की रोशनी टॉरिक फेकिक लेंस से प्रत्यारोपण के बाद बहुत अच्छी आ चुकी है। और इस रोशनी के बाद हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन में असंख्य लोगों को मार्गदर्शन देते चले और सत्य अहिंसा अस्तेय और ब्रह्मचर्य का जो एक जैन के 5 सिद्धांत है जैन मत के, वो उसका प्रचार पूरे विश्व भर में करें। आदरणीय दीदी जी के माध्यम से जैन दर्शन और जैन विचारधारा को एक पूरे विश्व भर में पूरे देश में एक नई दिशा मिलेगी ऐसा हमारा विश्वास है और ईश्वर से प्रार्थना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इनका जो काम है लिखने पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा रहता है। दीदी का शुरू से ही रुचि जो है वो लिखने पढ़ने में और आध्यात्मिक रही है, तो हम विश्वास करते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद टॉरिक फेकिक लेंस प्रत्यारोपण के सफल ऑपरेशन के बाद दीदी अपना काम और अच्छी तरह से कर पाएंगी। और पीएचडी जो है वो एक ही नहीं 2 या 3 विषय में इनको हो सके, इस पर हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद, नमस्कार।